हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थानी व्लॉगर नरेंद्र राउत में। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट करके बताएं। और आज के जो ब्लॉग है इसकी शुरुआत में कर रहा हूँ हमारे किचन गार्डन से। और बारिश बहुत अच्छी हो चुकी है तो साथ चढ़ गई है। थोड़ा सा काम किया था यहाँ पर अभी, और अभी मक्की लगाएंगे हम इसमें और कुछ सब्जियों के भी लगाएंगे। तो अभी दिखाएंगे आपको कि मक्की, वैसे तो खेत में बड़े खेतों में भी बिजाई करते हैं, पर जो छोटे छोटे किचन गार्डन वगैरह होते हैं उसमें हम मतलब लगाते हैं, मतलब चोपना बोलते हैं हमारे मारवाड़ी में, तो वो चोपेंगे अभी हम यहाँ पर। तो अभी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, तो प्लीज पूरी वीडियो में जरूर बने रहें और देखिएगा कि हम किचन गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां और मक्के कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो हम देखिए, हम इसे दिखाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, हमारे यहाँ पर खाद पड़ी हुई थी, गोबर खाद थी, तो उसको अभी हम यहाँ पर इन क्यारियों में, ये जो खोदी हुई जगह हमारी, इसमें मिला लेंगे, जिससे क्या होगी जो भी फसल हम लगाएंगे, मक्की सब्जियां छोटी मोटी, तो वो अच्छे से इसमें ग्रोथ करेगी और अच्छी पनपेगी। हमारा किचन गार्डन आधे की खुदाई करी थी इसकी, और आधे की और करनी है, तो ये मैंने कुछ क्यारियां बनाई है इसमें, देखिए क्यारे बनाए हैं और इसमें हम मक्की लगाएंगे। और यहाँ देखिए मौसम, कभी भी थोड़ी देर में बारिश आ सकती है, तो बारिश आने से पहले लगा देंगे, तो इसकी क्या है कि मतलब अच्छे से मक्की लग जाएगी। और बीज में बता देता हूँ आपको, हमने यहाँ रख रखा है, ये देखिए, तो शायद इसे एक क्यारी में लगा दी है सुबह, और अभी मैं स्कूल से आने के बाद मैंने ये क्यारी बनाई है थोड़ी सी, तो अभी मैं अभी वो साफ करना उधर। ये देखिए नितिन भी आ चुका खेत में हमारे साथ ही, तो अभी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर मैंने उधर कर दी थी खाद को सही, और अब देखिए जो क्यारी है, तो दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी जो मिट्टी लेके जो क्यारी बनाई जाती है, देखिए दोस्तों इस प्रकार से, दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी लेके हमारे यहाँ पर, इसी सभी जगह ऐसे बनाते हैं हमारे यहाँ पर, क्या तो क्यारी इस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए अभी बच्चे भी हमारे पास ही बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों को भी मेरा यही है कि बच्चे भी काम सीखे, कभी भी उनके मन में ये नहीं आए कि ये छोटा काम है या बड़ा काम है। तो हम किसान हैं, गांव में रहते हैं, तो ये काम भी हमारे बच्चों को और हम सबको आना जरूरी है। देखिए पसीने से मैं तरबतर हो चुका हूँ, कि बहुत ज़्यादा गर्मी मस्त थी उस दिन। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं एक और क्यारी की जो लाइन है वो बना दूंगा, ये देखिए, ये देखिए। और हम दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेंगे, तो क्या होगी कि जो डोड़ी बोलते हैं हमारे, तो डोड़ी जो ऊँची या बड़ी बन जाएगी यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से। और उसके बाद हम मक्के की जो बिजाई करेंगे, और यहाँ पर तीन चार क्यारियों में खाद नहीं था, तो यहाँ पर मैं ये खाद है ये बिखेर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए। तो थोड़ा जहाँ पर मतलब जगह जगह पड़ रखा था, तो थोड़ा थोड़ा हम बिखेरेंगे इस प्रकार से, तो क्या होगा कि जो फसल है हमारी अच्छी से होगी। और अभी ये इधर की बाकी है हमें खुदाई करना, यहाँ पर देखिए ये जामुन के पेड़ बच्चों ने लगाए थे बीच में, तो वो भी लग रहे हैं, तो उनको हम रखेंगे, एक दो ही का उखाड़ के हमारे जो खेत में लगा देंगे यहाँ पर, देखिए। और बिखेर लेंगे खाद को, तो इसमें बकरी का खाद और जो गाय का गोबर है, दोनों का खाद है, और बहुत ही अच्छा खाद है। और यहाँ पर जो भी चीज़ लगाएंगे बहुत अच्छी होती है, बस हाँ पानी टाइम से टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ फसल यहाँ पर होती है हमारे यहाँ पर, क्योंकि ज़मीन भी हमारी बहुत अच्छी है यहाँ पर पैदावार के लिए, खेती के लिए ज़मीन बहुत अच्छी बेस्ट ज़मीन है हमारे यहाँ पर। देखिएगा अब हमारे अगर बारिश अच्छी आई तो कितना जल्दी से ग्रोथ करेगी फसल, मैं आपको दिखाऊंगा कुछ दिनों में, थोड़े थोड़े दिनों में दिखाता रहूंगा हमारी जो फसल है उसको। तो यहाँ पर देखिए एक और धोरी मैंने बना दी है, और देखिए हमने बिजाई का काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से हम जो खेती है उसे जैसे हल चलता है वैसे ही हम थोड़ी थोड़ी इसको खोद लेंगे, क्योंकि खोदी हुई तो बाकी लाइन से लगा देंगे, इससे क्या उसका नन्नाड़ जो करेंगे, नन्नाड़ी करना बोलते हैं गुड़ाई करना या खरपतवार करना, तो उसमें आसानी रहेगी। तो इस प्रकार से थोड़े 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 एक एक दो दो दाने में यहाँ पटक दूंगा, और इसको हम इस प्रकार से ढक देंगे जो दाने हैं उनको मिट्टी से, तो फिर तीन चार दिन में ये दाने अंकुरित हो जाएंगे, ये देखिए। तो अभी मुझे पूरे इन क्यारियों में जो है मक्की लगानी है, और इस बार शायद हम मक्की ही लगाएंगे यहाँ पर, सब्जी देखते हैं कुछ, एक तो लौकी सेम फली है वो चीज़ें हमने लगा रखी है पहले से ही, तो उनके जो बेलें चल चुकी है, अब पहले जो तूफान आया था ताऊते उस समय लगाई थी हमने, तो अच्छी तरह से पनप चुकी है वो, और ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर है ना ज़्यादा अगर लौकी वगैरह लगाएंगे तो बेल जो बेलें होती है वो पूरी मक्की पे फैल जाएगी, तो मक्की को ग्रोथ नहीं करने देगी। तो जो सब्ज़ी है मम्मी के यहाँ पर बोलेंगे, मम्मी वाला खेत घर पर जो खेत है हमारा,
किचन गार्डन है वहाँ पर, और यहाँ पर तो हम बस मक्की ही बो रहे हैं। तो देखिए अभी बच्चे भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी मेरे साथ ही मेरी हेल्प कर रहे हैं बराबर की बराबर, क्योंकि बच्चे भी सीखते हैं काम, बच्चे भी ना बड़ों को देख के सीखते हैं। देखिए नितिन नवीन मेरी हेल्प करा रहे हैं बराबर की बराबर, बाकी बच्चे भी हमारे साथ ही हैं, मेरे भाई के बच्चे भी मेरे साथ ही हैं, वो भी देख रहे हैं। उनको मैं बता रहे थे बेटा इस प्रकार से क्या है अपन किचन गार्डन बनाते हैं उसमें कर सकते हैं, तो हमने भी कहीं देखा था और अब हम भी अपने जो बच्चे हैं उनको बता रहे हैं कि बेटा इस प्रकार से जो काम जो किया जाता है। तो गांव के हैं और हमें ये सब काम आने ज़रूरी है, क्योंकि हम सबसे पहले किसान हैं क्योंकि गांव में रहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा सी मेहनत तो लगी, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मक्की को लगा देंगे एक एक दो दो दाना। देखिए नितिन नवीन दोनों कर रहे हैं और हमारा कैमरामैन बन रखी है निकिता, हाँ बाकी सभी कर रहे हैं इधर उधर वो थोड़ा सा शर्माते हैं कैमरे के सामने में आने में इस कारण, बाकी नवीन नितिन नहीं शर्माते हैं, वो आ जाते हैं कैमरे में। तो देखिए धीरे धीरे सब आने लग जाएंगे। तो ये देखिए गार्डन था, उसमें जो है इस बार पूरे में मक्की की बिजाई कर दी है, ये देखिए। और यहाँ पर ये कुछ सेम फली के हैं, ये दिख रहे हैं सेम फली है जो ये अकेले लग गए थे पिछले साल, बीज गिर गए थे इसके, ये देखिए सेम फली के पौधे हैं। और इसमें बेलें चल चुकी है, इसको मैं बांध रहा है। और इसके आगे यहाँ पर ये देखिए ये है लौकी का, ये लौकी है तो इसके भी बेल चल चुकी हैं और 15-20 दिन में लौकी लगना स्टार्ट हो जाएगी इसमें। और यहाँ पर ये देखिए ये है लौकी है और पौधे लग चुके हैं लौकी के यहाँ पर, और ये एक छोटी सी ये भी लौकी है और ये सैंपली है, ये हमने बच्चों ने लगाए थे जामुन के पौधे हैं। और अभी यहाँ पर देखिए ये आम है, मक्की लग जाएगी एक दो दिन में। यहाँ पर देखिए हमारा किचन गार्डन पूरा तैयार हो चुका, साफ कर दिया पूरा, ये देखिए हाथ से पानी, कुछ एक सब्जियां भी लगाई थी हमने, वीडियो नहीं बना पाया मैं इसलिए। देखिए हमारी जो वंशिका है इसको कन्हैया मनाया जा रहा है यहाँ पर, हाय कर दे तन्नो। और ये देखिए हमारा वंश कृष्ण कन्हैया, माखन चोर बन रहा है ये, अभी दिखाएंगे हम आपको पूरा बनाने देंगे इसको पहले। और देखिए दोनों भाई बहन इसको सजा रहे हैं, रो रहा हमारा वंश। कानो कन्हैया कृष्ण कन्हैया कृष्ण कन्हैया, देखो कृष्ण कन्हैया कैसे